देखिए क्वेश्चन नंबर 81 81 में कह रहा है ए बी एंड सी अंडरटेक टू डू वर्क फॉर 500 रुपी। ए एंड बी टुगेदर डू 2/5 ऑफ द वर्क एंड रेस्ट इज डन बाय सी। हाउ मच अमाउंट शुड सी गेट? ऑप्शन ए 300 रुपी, बी 360 रुपी, सी 200 रुपी और डी है 180 रुपी। तो इसमें देखिए ए और बी ने टोटल वर्क का 2/5 पार्ट किया है, तो सी ने कितना किया होगा टोटल का? अगर आपने वन वर्क मान लिया तो वन में से 2/5 माइनस कर दो, तो 2/5 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3/5। तो 3/5 पार्ट जो है सी ने किया है, तो इसका मतलब हो गया कि 3/5 टोटल रुपी का उसको मिलना चाहिए। इसको कैंसिल आउट कर दो, आगे कितना 100 रुपी, और 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 रुपी हो गया। तो सी को कितना रुपी मिलेगा? 300 रुपी। जितना काम करता है उसी के रेशियो में उसको पैसा मिलता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 1 + i² √2 ⁄8 और फिर प्लस 1 − i² √2 ⁄8। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था, अगर 1 + − जो भी हो, अगर i² √n है तो −4 √q और 1 + −i² √r। कहने वाला इसमें आप 4 से डिवाइड करो, n में 4 से डिवाइड करो, क्वेश्चन को यहाँ रखो, रिमाइंडर को यहाँ रखो, वही आपका पावर में जो वैल्यू रहती है 1 + i, ± i के, वही आपका आंसर हो जाता है। तो इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 1 + i² √8 और यहाँ करोगे क्या हो जाएगा, पावर 1/2 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 × 8 आ गया कितना 4। तो पावर 2 √4 करोगे तो कितना आ जाएगा 16। यहाँ आ जाओ 1 − i² √8, इसका क्या आ जाएगा, इसका भी 16 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसका क्या आ जाएगा, −4 √8 में 4 2 = 8, 2 आपका आ गया क्वेश्चन, रिमाइंडर आ गया कितना 0, तो ये हो गया। ऐसे दूसरे में आ जाइए −4, इसमें भी वही है तो 8 हो गया, 8 2 4 = 8, यहाँ आ गया आपका 8 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 4 = 8 आ गया रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 2 1 − i² √0। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हो गया 16, इसका कितना आ जाएगा 16, इसका कितना आ जाएगा 16, पावर 0 है तो वैल्यू 1 इनकी हो गई, 16 + 16 कितना हो गया 32 / 16, कैंसिल आउट कर दो आ गया कितना 2, तो इसका आंसर आपका हो गया 2, ऑप्शन बी। 83 में कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 2b एंड अ ट्राइंगल में एंगल ए और बी का डिफरेंस आपका दिया गया है π/3, देन एंगल सी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो अगर कोई आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी सी में ए का अपोजिट साइड ए, बी का अपोजिट साइड बी, सी का अपोजिट साइड सी लिया जाता है, और यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2b आपको दिया है, तो एक रिजल्ट होता है tan ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी cot सी बाई 2, इसी में वैल्यू रख दो। तो इसका अगर हाफ करोगे π/3 का हाफ करेंगे π/6 हो जाएगा, तो tan π/6 इज इक्वल टू 2b माइनस बी डिवाइडेड बाई 2b + b cot सी बाई 2। चलो इसमें रखो tan 30° की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा b/3b और cot c/2। इसमें बी से बी कैंसिल हो गया, इसे इधर ट्रांसपोज करोगे तो 1/√3 ये ऊपर गया, तो √3 का मतलब होता है √3 का मतलब क्या होता है √3 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हुआ तो इधर ऊपर आ गया आपका √3 और cot c/2। ये cot कितने डिग्री की वैल्यू है, √3, तो आप जानते हैं ये आपका cot 30° की वैल्यू है,
तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो सी बाई टू इज इक्वल टू 30, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री, मीन्स 5/3। 60 डिग्री को आप चेंज कर दो पाई बाई के फॉर्म में, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3 पाई बाई 3, आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द रेडियस ऑफ इन सर्किल इज, इन सर्किल का रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, इन सर्किल का रेडियस होता क्या है, आर इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाई एस, में डेल्टा क्या होता है एरिया, आर इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा बाई एस, इसी में वैल्यू रखो, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, एरिया क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाला जाता है अगर साइड दिया हो, ये हो गया एस। यहाँ देख लीजिए अब आपको साइड्स क्या दी हैं, ए कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, बी कितना दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर, सी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, इसे एस निकालो, एस क्या आ जाएगा इन सब का सम करके 2 से डिवाइड करो, तो 15 20 15 35 35 में 25 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 60 का हाफ कर दो, तो 60 का हाफ करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी में वैल्यू रखो, तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट एस, मीन्स 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 15, 30 माइनस 20 आ गया 10, 30 माइनस 25 आ गया 5, डिवाइडेड बाई S की वैल्यू कितनी है 30। इसे सॉल्व करो कितना आएगा, R इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 2, 15 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30, तो इसका निकालेंगे 15 का पेयर बन गया, 15 बाहर हो गया रूट के, 2 का भी पेयर कंप्लीट हो गया, 2 भी बाहर, 5 भी बाहर हो गया, डिवाइडेड बाई 30, 15 2 ज़ा 30, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो आपके आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच टू फोर्सेस कैन हैव इज पी एंड लीस्ट इज क्यू, इफ दे एक्ट एट एन एंगल अल्फा देन द रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी सी डी। तो यहाँ देखिए आपके पास ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दिया गया, कितना गया है ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट फोर्स में आपका दिया गया है P, इसका मतलब अगर दो फोर्स हैं A प्लस B तो उनका ग्रेटेस्ट आएगा एडिशन करने पर ग्रेटेस्ट, और दूसरा कौन सा है लीस्ट कितना दिया है लीस्ट रिजल्टेंट, तो जो लीस्ट रिजल्टेंट आपका फोर्स है वो क्या हो जाएगा A माइनस B आपका दिया गया है Q। तो ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों को सॉल्व करो ऐड कर लोगे तो 2A इज इक्वल टू क्या आ गया P प्लस क्यू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 2B P माइनस क्यू, तो B कितना आ गया P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, अब आपको रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, रिजल्टेंट फोर्स आपको क्या मिलता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा, एंगल आपका अल्फा दिया गया है, अब इसी में वैल्यू रख दो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ डिवाइडेड बाई 2 है ही ये, इधर आ जाओ दूसरे का इसका करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ डिवाइडेड बाई कितना है 2 का स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा, इधर ये आपका दोनों का प्रोडक्ट करो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मीन्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कॉस अल्फा, इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 1/4 है तो कॉमन हो गया तो 1/2, अब आप या इसको इस ब्रैकेट में ही रखो
अब ये और सिंपलीफाई हो जाएगा, तो ये आपका 2p हो गया, 2q हो गया, तो 2 कॉमन कर लो, और यहाँ पर 2 था ही, ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2ab cos अल्फा, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos अल्फा डिवाइडेड बाई कितना है 4। अब क्या होगा, 2 2 4 कैंसिल हो गया, इसे ओपन करके सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसे अगर हम ओपन करके सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ देखो p स्क्वायर कॉमन है, तो p स्क्वायर अगर हमने कॉमन कर लिया तो हमारे पास आएगा 1 माइनस ये cos अल्फा, फिर q स्क्वायर कॉमन कर लें तो q स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस, इधर प्लस है, p वाला प्लस है और q वाला माइनस, तो cos अल्फा डिवाइडेड बाई कितना है 2। अब आप बताओ cos अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये दोनों वैल्यू आप रख दो, प्लस वाले में प्लस की रख देंगे, माइनस वाले में माइनस की रख देंगे, तो इसको अगर इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इधर इससे निकालेंगे तो आएगा आपका 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर उठा के आप रख दो, तो रख दोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा देखिए, तो रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है ही, 2 यहाँ रख दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, और इधर ये भी 2 से 2 कैंसिल कर देगा, तो q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये आपका r की वैल्यू आ गई। तो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑप्शन सी है, तो इट मीन्स आपका ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए 86 में क्या कह रहा है, 86 में कह रहा है द वर्क डन इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट, एक दिया है ए 3 2 -1, और एक पॉइंट आपका दिया है बी, बी का दिया है 2 -1 4, ये इसके पॉइंट्स हैं। इन अ फोर्स फील्ड, फोर्स कितना दिया है, फोर्स फील्ड आपको दिया गया है 4i-3j+2k, ये आपका फोर्स है। अब से वर्क डन पूछा जा रहा है, वर्क डन होता क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालो, ए बी कितना आ जाएगा, ओ बी माइनस हो ए, तो यहाँ 2 -1 4 माइनस करोगे 3 2 -1, तो करिस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट का डिफरेंस आएगा, 2 -3 करेंगे तो -1 -1, और -2 करेंगे तो -3, और इसका कितना आ जाएगा 4, ये प्लस हो जाएगा तो 5 हो गया। इसको अगर कन्वर्ट करोगे यूनिट वेक्टर्स के साथ तो क्या हो जाएगा, फोर्स आपका 4i-3j+2k और डॉट प्रोडक्ट आपका आएगा इसमें -i-3j और फिर +5k। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, i का i के साथ 1 आता है, j का j के साथ 1, k का k के साथ 1, बाकी सबका डिफरेंट होगा तो 0 हो जाएगा, तो आएगा कितना -4, 3 3 9 और 2 5 10, इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 15 जूल, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा 15 जूल, मीन्स 15 यूनिट्स, तो ऑप्शन इसका आपका ए सही हो जाएगा, तो 15 यूनिट्स भी आएगा, क्योंकि अगर ये यूनिट में है तो 15 यूनिट्स हो जाएगा, और वैसे वर्क जो होता है उसका यूनिट आप जानते ही हो, MKS सिस्टम में क्या होता है, CGS सिस्टम में क्या होता है, तो इस बेसिस से इसका हम क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
87. If A, vector A, vector B and vector C are three vectors in such a way that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 and mod of vector A is equal to 1, mod of vector B is equal to 4, mod of vector C is equal to 2, then the value of 2. ब्रैकेट में ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू. ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिया गया है. इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवा रहा है क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू क्या है, जीरो. अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका होल स्क्वायर कर दो. तो वेक्टर ए प्लस यहाँ जीरो वेक्टर है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर कर दो, इसका तो जीरो का जीरो ही आता है. क्या आएगा इसका, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर हो गया, इसका मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू. डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये जीरो है ही. इन सब की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है. इसका दिया है वन, वन का स्क्वायर वन. बी का दिया है फोर, फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन. और सी का दिया है टू, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर. अब इस ये आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा. इसको इधर लेके चले जाओ, ये कितना हो जाएगा 21. इधर राइट साइड में जाएगा टू ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -21. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, -21. चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88. कह रहा है कि लिमिट y टेंस टू a साइन y माइनस a डिवाइडेड बाई 2 टेन पाई y बाई 2a इज इक्वल टू. ऑप्शन आपको दिया गया है a b c d. इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, लिमिट का क्वेश्चन ये भी है. क्या है लिमिट आपका y टेंस टू a ब्रैकेट साइन y माइनस ए डिवाइडेड बाई टू टेन दिया है पाई वाई बाई टू ए. कैसे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वाई माइनस ए है तो ए माइनस ए हो गया जीरो. यहाँ पर रखोगे तो एक तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई टू टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या आती है इन्फिनिटिव. तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गए, तो ये भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म तैयार हो जाएगा. इसको जीरो बाई जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करो, टेन को आप कॉट में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, लिमिट वाई टेंस टू ए ये क्या हो जाएगा साइन वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई कॉट पाई वाई बाई टू ए. अब ये इसमें वैल्यू रखोगे तो ये आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया. अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए. क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू a यहाँ साइन का क्या होता है, साइन का डिवाइड बाई डी एक्स होता है कॉस y माइनस ए डिवाइडेड बाई टू. अब y माइनस ए बाई डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो y का तो वन हो जाएगा, वन बाई टू हो गया. इधर आ जाओ, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर पाई y बाई टू a, और इधर करेंगे y का वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई टू a. क्लियर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई. यहाँ देखो टू से टू कैंसिल हो गया. अब वैल्यू रखोगे ये ए रखो तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या आती है वन. यहाँ रखोगे तो ये कैंसिल हो गया, कोसेक पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आती है वन. तो ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका वन बाई माइनस पाई बाई ए. अब इसको न्यूमरेटर में ले चले जाओ, माइनस ए बाई पाई. तो ये आपका आंसर हो गया माइनस ए बाई पाई. तो इससे ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो गई. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इफ आफ्टर t1 एंड t2 सेकंड्स इट्स हाइट इज h देन इज इक्वल टू. तो हाइट किसके इक्वल होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है. अब अपवार्ड डायरेक्शन में है पार्टिकल, किस डायरेक्शन में अपवार्ड, तो जी यहाँ पर क्या हो जाता है आपका निगेटिव हो जाएगा. तो आपको पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी, तो अपवार्ड में है माइनस हो गया वन बाई टू, ये आपका हाफ जी टी स्क्वायर. इसको इधर ट्रांसपोज करोगे कितना आ जाएगा टू एच इज इक्वल टू टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर.
इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी और माइनस टू एच इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए टी के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो टी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको ऑप्शन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑप्शन में आपको पहला दिया है वन बाई टू जी टी वन टी टू, दूसरा दिया है बी जी स्क्वायर रूट टी वन टी टू और तीसरा दिया गया है टू जी टी वन प्लस टी टू। तो यहाँ इसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट, पहला मान लो टी वन दूसरा मान लो टी टू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। तो टी वन इंटू टी टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है यहाँ पर देखोगे, सी आपका ये इधर गया है तो ये पॉजिटिव है, टू एच डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया आपका जी, टी का कोफिशियंट जी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से एच निकाल लो, एच क्या आ जाएगा इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो वन बाई टू जी टी वन इंटू टी टू, तो ये आपका आ गया। तो ये आपका वन बाई टू जी टी वन इंटू टी टू, यही आपका आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के इक्वेशन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होगा, एक आपको इक्वेशन प्रोवाइड करवाया गया है पैराबोला का। तो हम इक्वेशन देख लेते हैं, दिया है वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिया गया है। तो पैराबोला का इक्वेशन है क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, अगर निगेटिव करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, क्लियर। चलो इसको इसी फॉर्म में वाई के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ये आपका फोर वाई और फिर इसमें आप फोर ऐड कर दो फोर सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा प्लस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये इसका क्या हो जाएगा वाई माइनस सॉरी प्लस टू होल स्क्वायर, इधर सॉल्व करो तो फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर लेके चले जाओ वाई प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस फोर एक्स प्लस टू, यहाँ से कॉमन कर लो माइनस फोर, तो माइनस फोर कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये हो गया एक्स, यहाँ पर माइनस वह टू बाई फोर करोगे तो वन बाई टू हो जाएगा तो वाई प्लस टू होल स्क्वायर। तो ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से आपके ये एक्स की वैल्यू है। तो अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना होता है पैराबोला का तो क्या होता है एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए होता है, यहाँ से देख लो ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस फोर, फोर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन। एक्स की वैल्यू कितनी आई है एक्स माइनस वन बाई टू, यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन, देन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू तो आ गया एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो आपका एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।